देखिए, अगर हम वाल्मीकि रामायण में से ढूंढें कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, अद्भुत। या चान्या शैल दोहिता कन्या सीद रघुनंदन उग्रम सुव्रत मात्सस्थाय तपस्ते पे तपोधन उग्रेण तपसा युक्ताम ददौ शैलवरः सुताम रुद्रायाय प्रतिरुद्ररूपाय प्रतिरूपाय उमां लोक नमस्कृताम। गंगा च सरिता श्रेष्ठा उमा देवी च राघव एतत ते सर्वमाख्यातम यथा त्रिपथ गामिनी। खं गता प्रथमं तात गतिम गतिमतां वर। अगली बात क्या लिखी है, अद्भुत है। मैं चूं गंगा के किनारे रहता हूं इसे मैं रोमांचित हो रहा हूं। हम लोग हरिद्वार में रहते हैं ना, तो क्या बात है, क्या मुझे रोमांचित कर रहा है अगला श्लोक वाल्मीकि जी का। शेषा सुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। स्वर्ग की सारी सामर्थ्य गंगा के चुल्लू भर जल में है, चुल्लू भर जल। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल कणिका पीता। भाष्यकार भगवान से पूछा, देखो ये ध्यान से सुनना, जब भगवान भाष्यकार से पूछा सबने कि जी कुछ छोटी मोटे साधन बताओ हम, ये बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है, अब कौन करेगा अश्वमेध यज्ञ राजसू यज्ञ, हिमालय में तपस्या करने कौन जाए, कौन ये बभूत रमाए तन पर खाक रमाए जटाजूट और सन्यासी बाना, हर कोई सन्यासी बनकर जाए गिरिकंदराओं में, छोटे मोटे साधन बता दीजिए हमको तो, जिनसे हमारा कल्याण भी हो सके। बड़े साधन नहीं, क्या सामान्य साधनों से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो भगवान भाष्यकार ने कहा मैं छोटे छोटे दो तीन साधन बता देता हूं, तो ये तीन करने होंगे कि एक इनमें, बोले कोई एक, ये तीन चार साधन है छोटे छोटे। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल लब कणिका पीता। थोड़ा ध्यान कर लो, जप कर लो, भगवद गीता गीता का पारायण कर लो। बोले कहां से गीता लाएं, कहां से पारायण करें, तो कितनी अच्छी बात कही भगवान शंकराचार्य ने, बोले गंगा जल लब कणिका पीता, एक चुल्लू भर गंगा जल ही पी लिया कर भैया, थोड़ा सा लव, लव का मतलब कण है, अपने घर में गंगा जल रखो। अब दुनिया भर के चिकित्सक और वैद्य आपको कितनी औषधियां रखने के लिए कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या नहीं है आपके घर में, इमरजेंसी के लिए क्या नहीं घर में रखते, बैकअप प्लान आपका क्या नहीं है अपने घर में रखने के लिए। हम तो संयोग से एक बार उधर गए सैंडियागो की तरफ, तो किसी बच्चे ने कहा भाई हमारा नया मकान बना है इसे देख लो, वहां देखने गए उसके नीचे उसमें बेसमेंट में दुनिया भर का सामान रखा हुआ था। हमने कहा भाई ये क्यों रखा है, बोले यहाँ एडवाइजरी है कि भूकंप आने वाला है, रख लो सामान भले ही काम ने आए, रख लो इतना सामान एडवाइजरी। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं घर में इतनी चीजें रखी हैं, एक गंगा जल की बोतल घर में नहीं रखी जा सकते, एक कलश भर के, एक गंगा जल का लोटा। किंचित धीता भगवद गीता गंगा जल लब कणिका पीता, शास्त्र कहते तनिक सा भी जो गंगा जल है वो तारक है, भवतारक है, सुखकारक है।